नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है बुधराम सर के फार्म से, और ये जो गाय है कुछ दिन पहले जो है अपने चैनल पर लगवाई थी इन्होंने, और ये बिक करके जो है गाजीपुर जा रही है। जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर सर का नीचे दिया गया है, किस प्रकार से जो है गाड़ी में जो है इनको लोड किया जाता है, क्या क्या इसमें जो है मिट्टी वगैरह कैसे क्या डाली जाती है, वो आपको जो है वीडियो में दिखाई जाएगी। तीनों गाय है, इनकी वीडियो आपको जो है पीछे अपने चैनल पर मिल भी जाएगी, आप देख सकते हैं खत्री डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी हमने जो अपलोड की है, जो ये फोर सेल के लिए थी। और ये बिक करके जो है जा रही है, किस प्रकार जा रही है, कैसे क्या जो है सिस्टम है, कैसे क्या कागज बनवाते हैं ये, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये जो पिकअप आप देख रहे हैं, इसमें जो है तीन गाय जा रही है, बड़ी पिकअप है, और ये जानकी दास श्रीगंगानगर राजस्थान से जा रही है। जिला इनका जो है वो सूरत, सॉरी श्रीगंगानगर है, तहसील सूरतगढ़ है, और राज्य राजस्थान। जो इनका फार्म है, पहले भी हम जो है बता चुके हैं वीडियोज के माध्यम से कि 8 से 10 पशु जो है हर समय अपने फार्म पर रखते हैं, जिसमें HF जर्सी या क्रॉस ब्रीड की या दुधारू जो बैसे होते हैं वो भी इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी, और राठी साहिवाल थारपारकर तो जो है हर समय इनके पास अवेलेबल रहती है। तो नीचे मिट्टी वगैरह डाल करके पिकअप में आप देख सकते हैं बच्चों को जो है आगे बांध करके, उसके बाद जो है इन गायों को इसमें लोड किया जाता है, और ये यहाँ से जो है बिक करके गाजीपुर जा रही है। उनका जो पूरा एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनवाए हैं सरपंच से, उनके उस पेपर में भी, लेटर पैड में भी जो है मेंशन किया गया है। अगर किसी भाई को देखना है तो वो वीडियो पोज करके जो है जहाँ पर कागज दिखाए जाएंगे वो आप वीडियो पोज करके वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी पशुपालक भाई, जो किसान पशु खरीदना चाहते हैं, अच्छे नस्ल के अच्छे दुधारू पशु इनसे खरीदना चाहता है, वो जा करके इनके फार्म पर 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके आप यहाँ से पशु खरीद सकते हैं। रहने खाने की पूरी सुविधा इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी। समय समय पर जो है इनके फार्म से पशु जो बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं लगभग आती रहती है, उनकी वीडियो जिसमें कि राठी साहिवाल थारपारकर और क्रॉस ब्रीड की गाय जो आती रहती है, और वैसे भी जो है इनके फार्म से हमने पहले काफ़ी इनकी वीडियो लगाई है। तो जिस प्रकार का भी पशु आपको चाहिए, आप उसके लिए जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। बुधराम सर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, जो इनका एड्रेस हो जानकी दास, और जो इनका तहसील है वो सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, स्टेट राजस्थान। तीन गाय ये बिक करके जा रही है, इनकी वीडियोज भी हमने जो है चैनल पर डाली हुई अपलोड किया जब ये फोर सेल के लिए थी। तो किस प्रकार जो है यहाँ से रवाना किया जाता है वो आप देख सकते हैं, और जो भी पशुपालक भाई और भी पशु इनसे खरीदना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, और ज़्यादा जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। और जो किसान पशुपालक घर बैठे अपना अच्छा पशु जायज कीमत पर सेल करना चाहते हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उनकी भी वीडियो जो है फोर सेल की, जो पशु होगी फोर सेल के लिए, उनके पशुओं की जो है वीडियो इसी प्रकार से जो है शेयर कर दी जाएगी, जिस प्रकार से आप हमारे चैनल पर पिछली वीडियो देख रहे हैं जो फोर सेल के लिए आती है। अगर आप भी अपना पशु सेल करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉमेंट में कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा नंबर दिया गया है, और ऊपर वीडियो में भी आपको जो है मेंशन कर दिया जाएगा, जिस पर आप WhatsApp के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा पशु और जायज कीमत का बिक्री के लिए दिखाना चाहते हैं तो बिक्री के लिए भी जो है वीडियो जिसकी शेयर कर दी जाएगी। अगर आप सिर्फ आपने कोई अच्छा पशु तैयार किया है अच्छी नस्ल का, वो आप दिखाना चाहते, सिर्फ दिखाना चाहते, वो भी जो है आपकी जो है इस तरह की वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। अगर किसी भाई ने अच्छा पशु जो है तैयार किया हुआ है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, और जो सेल करना चाहते हैं वो भी सेल के लिए जो है बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर मैं दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप जो है ले सकते हैं। और जो भी भाई गाय खरीदना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, जो भाई वीडियो लगवाना चाहता है वो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करे। बुधराम सर के फार्म से आज की वीडियो है, इन्होंने जो है ये वीडियो शेयर की है कि इसको भी जो है अपडेट की जाए चैनल पर, किस प्रकार हमारे यहाँ से जो है गाय रवाना की जाती, कैसे लोड की जाती। कई भाइयों के जो मन में डाउट रहता है कि हम वहाँ से जो है इतनी दूर से गाय अगर ले रहे हैं गाय भैंस, तो कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं आई, कोई भेजेगा या नहीं भेजेगा, जो भी उनके डाउट है थोड़े बहुत इसमें आप जो है देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है रवाना किए जाते हैं यहाँ से पशु, बड़ी पिकअप है तीन पशुओं की, तो इन्होंने जो है इसमें इनको रवाना किया है, यहाँ से लोडिंग की है। नीचे मिट्टी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है मोटी लेयर मिट्टी की जो है नीचे बिछाई गई है, उसके बाद जो है गायों अंदर जो है बांधा गया है, और आगे जो है इनके आगे ही बच्चे भी बांधे हैं,
और पीछे से इसको अच्छी तरह जो है कवर कर दिया जाएगा। ऊपर से जो है अभी इतनी ठंड नहीं है तो ऊपर से जो है इतना कवर नहीं करते हैं, पूरा इसमें दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट बनवाए हैं जो सरपंच हैं इनके गांव के वहां से। और जो भी भाई ज़्यादा जानकारी लेना चाहता हो इसको पोज करके भी जो है आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है ये गाय जा रही है, कैसे इन्होंने बनवाए हैं। जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं उनमें जो है जो डॉक्टर होते हैं सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में जो होते हैं उनसे जो उनके द्वारा जो है बनवाए जाते हैं, लेकिन जो गांव है जैसे ये गांव में रहते हैं तो इस प्रकार से जो है यहां से इनके डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं, हुलिया वगैरह बनवाया जाता है, उसमें जो है अच्छी तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे जो है प्रॉपर ये करके यहां से इनको रवाना करते हैं। और काफ़ी अच्छा काम, साफ सुथरा काम है। बाकी जो भी भाई लेता है उससे यही रिक्वेस्ट है कि इनके फार्म पर आप विजिट करके अच्छी तरीके से 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके देखें, क्योंकि जब आप 500-700 किलोमीटर से आप पशु लेते हैं तो उसमें जा करके आगे जो है 1-2 दिन जो है दिक्कत करता है सेट होने में, पशु मन नहीं लगाता है जाते ही, 2-4 दिन हफ्ता भी लग जाता है। तो जैसे ही मन लग जाता है दूध भी जो है अपने आप ही वो आ जाता है, खाने पीने जब लग जाता है पेट भर के, तो थोड़ा जो है 2-4 दिन दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन आगे जा करके जो है पशु अच्छी तरीके से खाने पीने लग जाते हैं, दूध भी काफ़ी अच्छा जो है अपने पूरे मिल्क पर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसको पीछे से बंद कर जाता है डाले को, ताकि जो है कोई बच्चा या गाय जो है पीछे की तरफ ना गिरे और सेफ्टी से अंदर जो है आराम से खड़ी रहे। तो नीचे मिट्टी वगैरह अच्छी तरीके से बिछाई गई है पानी छिड़क करके, उसके बाद जो है बच्चे आगे बांधे गए हैं। आपने देखा है पूरी वीडियो को। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको जो है कैसी लगी आपको वीडियो, और आगे आने वाले समय आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। जो पशुपालक भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी पशुपालक इस प्रकार से अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं फॉर सेल के लिए, जो पशु तैयार किया आपने वो दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और वीडियो में भी आपको ऊपर मिल जाएगा, या कमेंट भी आप जो है कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।